हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 एग्रीकल्चर समझाने वाली हूँ। और देखिए, चैप्टर को मैं नोट्स की हेल्प से समझाने वाली हूँ। और नोट्स में आपको अच्छे से पता है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो हेडिंग्स होती हैं वो कैपिटल लेटर्स में होती हैं, और उसके अंदर में जो है मेन जो कंसेप्ट है चैप्टर का वो पॉइंट्स में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, देखिए, चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है। तो आप देखिए, इंट्रोडक्शन में भी आप देखोगे तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। इसके बाद देखिए मीनिंग है एग्रीकल्चर का। तो बिल्कुल, जो एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से आया है, एग्र जिसका मतलब होता है फील्ड, और कल्ट्रा इसका मतलब होता है ग्रोइंग या फिर कल्टीवेशन। यानी जब हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, उस पर खेती करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए हम लैंड को कल्टीवेट करते हैं, तो ये इसका ये होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है एक आर्ट और साइंस है विच डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कल्टीवेट करते हैं इसमें क्रॉप्स, और इसके साथ ही डोमेस्टिक एनिमल्स को भी यहाँ पे पाला जाता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो अब हम वो फैक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ये है नेचुरल फैक्टर्स, देखिए डिवाइडेड हैं। पहला है नेचुरल फैक्टर्स और फिर है मैन मेड फैक्टर्स। तो देखिए, नेचुरल फैक्टर्स वो होते हैं जो कुदरती रूप से, ठीक है, तो नेचर के रूप से ही कौन कौन से पॉइंट्स हैं इस तरह से। तो ये है रिलीफ, फिर है सॉइल, फिर है वाटर और फिर है क्लाइमेट। तो देखिए, रिलीफ यानी कि पूरा का पूरा अगर लैंड सरफेस देखें तो आप देखोगे कहीं पहाड़ हैं, कहीं प्लेन लैंड है ना, तो कहीं पे प्लेटूज हैं। तो एक तरह से आपको जब आप एग्रीकल्चर करने जाओगे, खेती करने जाओगे, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप का लैंड चाहिए जिसमें आप आराम से खेती कर सको। तो रिलीफ फीचर्स में एक फ्लैट और लो लैंड जो होते हैं वो बहुत ही सूटेबल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि एक प्लेन लैंड में आप आराम से जो है खेती कर सकते हो। इसके बाद देखिए सॉइल, तो बिल्कुल अगर आप जब फसल बोने जाओगे तो आप ज़मीन पे आपको मिट्टी चाहिए, आपको सॉइल चाहिए, और सॉइल एक अच्छा अच्छी सॉइल चाहिए, आपको फर्टाइल सॉइल चाहिए जिसमें प्रॉपर मीडियम ऑफ मॉइस्चर हो। और क्योंकि सॉइल से ही देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो अपना उनको मॉइस्चर भी मिलता है, फूड भी मिलता है, तो सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर में। फिर है वाटर, तो वाटर की भी अवेलेबिलिटी जो है वो हमेशा होनी चाहिए, एसेंशियल होना चाहिए, ये एसेंशियल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद आते हैं क्लाइमेट में, तो यहाँ टेम्परेचर अच्छे से टेम्परेचर होना चाहिए फसलों के लिए, रेनफॉल, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट जो ये है ये बहुत ही सूटेबल है फॉर द फार्मिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद आते हैं मैन मेड फैक्टर्स पे, तो देखिए मशीन्स की जब हम खेती करने जाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होती है फार्मिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। इनसे काफ़ी हद तक जो है फार्मर्स का टाइम बच जाता है। फर्टिलाइजर्स में देखें तो केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स वगैरह को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स आते हैं। इसके बाद देखिए लेबर जो है, तो बिल्कुल किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये लेबर फोर्स होता है, इंसान होते हैं जो अपनी मेहनत से फसलों को उगाते हैं। मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट, तो ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मार्केट एंड ट्रांसपोर्ट। तो बिल्कुल ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपने आपकी प्रोडक्शन अच्छी हो गई तो आप उस चीज़ को मार्केट तक कैसे ले जाओगे, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के द्वारा आप अपने एग्रीकल्चर फील्ड से जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ है उसको आप मार्केट्स में पहुंचा सकते हो। और देखिए मार्केट्स से ये जो चीज़ें हैं ये बिकती हैं, फार्मर्स उन्हें बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। फिर आते हैं फार्म सिस्टम पे, तो देखिए फार्म सिस्टम क्या है, तो एग्रीकल्चर और जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं कलेक्टिवली फॉर्म अ सिस्टम। तो ये दोनों जो हैं कलेक्टिवली फॉर्म करती हैं सिस्टम को जिसको हम फार्म सिस्टम बोलते हैं। इसमें इनपुट्स आते हैं जैसे कि मशीनरी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, स्टोरेज, लेबर। तो मशीन्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट तरह की मशीन्स की नीड पड़ती है, सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स चाहिए, स्टोरेज आप कहाँ इनको स्टोर करोगे, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसेसिंग में देखिए तो ये सब के सब जो इतने सारे पॉइंट्स हैं ये आपका कवर कर रहे हैं फार्म सिस्टम को। प्रोसेसिंग देखिए तो यहाँ पे प्लोइंग, ठीक है, फिर सोइंग होती है, इरिगेशन हुआ, वीडिंग हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ। तो देखिए सबसे पहले खेत को जोतते हैं, ठीक है, मिट्टी को कल्टीवेट करते हैं, तो ये जो जोतना होता है इसको प्लोइंग कहते हैं, सोइंग यानी बीजों को बोना, इरिगेशन पानी फसल में लगाना, वीडिंग जो जंगली पेड़ पौधे उगाते हैं आपके जो मेन क्रॉप में उनको निकालना, हार्वेस्टिंग जब आपकी फसल तैयार हो जाती है तो उसको काटना।
ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग का काम हो गया। आउटपुट्स में देखिए, तो आप जब पूरे फार्म सिस्टम करते हो तो उसके बाद आपका क्या आउटपुट क्या निकल रहा है, जब आपने इतनी मेहनत करी है तो उसके बाद आपको क्या फ़ायदा निकल रहा है। अगर आपने एनिमल्स को वहाँ पे पाला था तो उससे वूल मिलेगी, ठीक है। क्रॉप्स, अगर आपने खेती करी तो आपको क्रॉप्स मिलेंगे। अगर आपने फिर से एनिमल्स को, तो बिल्कुल यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, पॉटरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, फिशिंग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, और देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, और सेकेंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसे पहले देखिए कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। शिफ्टिंग, इसको एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी बार शिफ्ट किया जाता है, इस वजह से इसका नाम शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। पुराने ज़माने में देखिए, जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, ठीक है, अपने एनिमल्स को लेके। तो वह जैसे ही दूसरी जगह जाते थे तो फॉरेस्ट एरियाज़ में क्या करते थे, वो बड़े बड़े पेड़ जहाँ होते थे, वो तो उस ज़मीन पे खेती करने के लिए उन पेड़ों को जला देते थे, ठीक है, आग लगा के जला देते थे। और उसकी जो ऐश बचती थी, जो राख बचती थी, उसको एज अ मैन्योर, एज अ फर्टिलाइजर उसको खेतों में डाल के यूज़ करते थे। उनको लगता था कि इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो कुछ साल वहाँ पे वो खेती करते थे, और फिर जब वो जगह जो इतनी फर्टिलिटी इतनी सॉइल में नहीं बचती थी, तो फिर वो उस जगह को छोड़ के फिर आगे बढ़ जाते थे, और वहाँ भी फिर वो वही चीज़ करते थे कि फिर से जंगलों को जलाते थे, क्लियर करते थे लैंड को, और फिर वहाँ पर फसल उगाते थे कुछ सालों के लिए, और फिर उन एरियाज़ पे वापस भी आते थे, ठीक है, ताकि कुछ सालों के लिए इसे छोड़ देते थे ताकि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले। तो ये था जो इस तरह से करते थे, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और इसको स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था। नोमेडिक हर्डिंग क्या है? देखिए, नोमेडिक हर्डिंग जो है वो अपने लाइफ स्टॉक फार्मिंग के साथ एनिमल्स को यहाँ पालते थे, और जो हर्ड्समैन थे वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे मूव करते थे एनिमल्स के साथ ही। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये प्रैक्टिस होती थी स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में। सिंपल और ट्रेडिशनल टूल्स जो थे वो इस एग्रीकल्चर में यूज़ होते थे। लार्ज नंबर ऑफ लेबरर्स जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते थे। कमर्शियल फार्मिंग देख रहे हैं, तो कमर्शियल फार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि कमर्शियल यानी पैसों के लिए, मार्केट में इसको खाने के लिए तो ठीक ही ठीक है, बट ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए इन फसलों को उगाया जाता था। इसके साथ ही इसमें एनिमल्स को भी पाला जाता था। इसका कमर्शियल फार्मिंग का सबसे मेन जो एम है वो प्रॉफिट कमाना है। मॉडर्न टेक्निक्स और टूल्स का इसमें बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बेच के इससे फ़ायदा कमा सकें, पैसा कमा सकें। बोथ कैश और फूड क्रॉप्स, इसमें कैश क्रॉप्स यानी जो फसलें खाने लायक नहीं होती, सीधे बेचने लायक होती हैं, जैसे आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, है ना, तो ये फसलें खाते नहीं हैं पर सीधे बेचने के काम आती हैं, तो इनको हम कैश क्रॉप्स कहते हैं। फूड क्रॉप्स, ठीक है, तो फूड क्रॉप्स यानी जो खाने वाली फसलें हैं, वीट है, राइस है, तो पर ये इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में उगाया जाता है कि सिर्फ बेचने के लिए उगाया जाता है। अच्छा, देखिए कमर्शियल जो ग्रेन फार्मिंग है, तो इसमें भी टाइप्स हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो है, फार्म्स होते हैं बहुत लार्ज लार्ज एरियाज़ में फैले होते हैं, और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एक्टर्स ज़मीन पे फैले होते हैं। ये गुड क्वालिटी और मॉडर्न मशीन्स यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं इस तरह के फार्मिंग में, और जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो सेलिंग पर्पज़ के लिए ही उगाई जाती है, यानी उसको बेचा जाता है। फिर आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग पे, तो देखिए नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड यानी लाइफ स्टॉक्स, यहाँ पे खेती के साथ साथ जानवरों को भी पाला जाता है, और फसल भी उगाई जाती है फूड खाने के लिए भी, और फॉडर क्रॉप्स यानी जानवरों के चारे के लिए भी यहाँ पे फसलों को उगाया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि सेम फार्म लैंड पे ही, एक ही फार्म पे आपने खुद के लिए भी फसल उगा ली, आपने एक्स्ट्रा अगर आपके पास हो गई सरप्लस यानी एक्स्ट्रा अगर अच्छी से प्रोडक्शन हो गई तो आप उस फसल को बेच भी देते हो, और साथ ही आपने अपने जानवरों के लिए भी चारे वाली फसल भी उगा ली। फिर आते हैं यानी घास वगैरह उगा ली, जो भी घास वो खाते हैं जानवर। फिर इसके बाद आते हैं प्लांटेशंस पे, तो प्लांटेशन देखिए सबसे पहली बात, जब आप एक ही सिंगल टाइप की क्रॉप एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में उगाते हैं तो इसको हम प्लांटेशन बोलते हैं। और ये जो प्लांटेशन था ये इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियंस ने इंडिया में, सिंगल क्रॉप लिखा ही हुआ है वो है यहाँ पे, जैसे शुगर केन हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी है, बनाना, कॉटन, रबर, कैशू नट्स, ठीक है, काजू की फसलें, तो ये बहुत लार्ज पीस ऑफ एरिया में एक ही फसल को उगाया जाता है। और प्लांटेशन जो होता है देखिए लार्ज ई स्टेट्स में करते हैं इसको, और ये इनका मेन मोटिव होता है इस फसल को बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो। मेजर क्रॉप्स होता है, तो ये फसलें देखिए खाने के लिए नहीं उगाते हैं प्लांटेशन में। मेजर क्रॉप्स में देखें तो फूड क्रॉप्स आती हैं और फिर नॉन फूड क्रॉप्स आती हैं। फूड क्रॉप्स में आपका ग्रेन्स हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, मिलेट्स हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया,
प्लांटेशन में आपका शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, टी है, कॉफ़ी है। नॉन फूड क्रॉप्स में आपका रबर है, कॉटन है, जूट हैम्प है, नेचुरल सिल्क है। तो इस तरह की जो फसलें होती हैं वो नॉन फूड क्रॉप्स में आती हैं, यानी सीधी सी बात है, फूड क्रॉप्स जिन्हें आप खा सको और नॉन फूड क्रॉप्स जिसे नहीं खा सको। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। तो देखिए, जो राइस है ये खरीफ सीजन की क्रॉप है, खरीफ सीजन होते हैं, और हाई टेम्परेचर चाहिए इसके लिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में राइस जो है वो काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है, और 100 सेंटीमीटर से अबव ही जो है रेनफॉल इसमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये रेनी सीज़न की फसल है। इसके बाद आते हैं वीट। तो वीट जो है वो राबी क्रॉप है, विंटर सीज़न में उगाई जाती है, कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए, पर जब कटाई का टाइम आता है तो एक ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। रेनफॉल 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए होता है। पंजाब, हरियाणा, बिहार और राजस्थान में वीट बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। मिलेट्स देख लेते हैं। तो देखिए, मिलेट्स क्या होते हैं, आपने इन मेजर क्रॉप्स के अलावा भी सब क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, और भी फसल होती है जो खाई जाती है इंडिया में, जैसे और ये इंडिया, नाइजीरिया, चाइना और नेगर में उगाई जाती हैं। ज्वार, रागी और जो बाजरा होता है ये मेन मिलेट क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स हैं वर्ल्ड की। मिलेट्स जो होते हैं उनको रिक्वायर्ड रेनफॉल चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, और ये लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में भी उग जाते हैं। मेज़ देखिए, जो मक्का है वो खरीफ क्रॉप है और साथ ही राबी फूड भी है। कहीं कुछ एरियाज़ में ये रेनी सीजन में उगाई जाती है, कुछ एरियाज़ में विंटर क्रॉप की तरह उगाई जाती है। फॉडर क्रॉप भी है ये, ठीक है, जानवर को चारे के रूप में दी जाती है विदेशों में खासकर। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल चाहिए इसके उसको उगाने के लिए। HYV सीड्स रिक्वायर्ड होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन चाहिए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में फसल काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। प्लांटेशन क्रॉप्स में आए तो टी, यानी जिसे हम बेवरेजेस भी बोलते हैं, तो ये पीने लायक जो फसलें होती हैं जो उन्हें हम बेवरेजेस की कैटेगरी में डालते हैं। यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप है टी, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। क्लाइमेट जो है वार्म, फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, किसी तरह के धुंध वगैरह नहीं चाहिए होती इस फसल को उगाने के टाइम पे। डीप और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, ठीक है, अच्छी से मिट्टी जिसमें पूरा मॉइस्चर कंटेन हो, तो इस तरह की सॉइल चाहिए। रिच इन ह्यूमस, तो ह्यूमस से बहुत भरी होनी चाहिए सॉइल, बहुत फर्टाइल होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट शावर्स, यानी कभी कभी पूरे साल में जो बारिश की फव्वारे होती हैं वो चाहिए। लेबर इंटेंसिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप है तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लेबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो टी गार्डन्स के पास ही होनी चाहिए, उसके अंदर ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। आसाम, तमिलनाडु, केरला और वेस्ट बंगाल जो है इंडिया में ये प्लेसेस हैं जहाँ पे जो है टी का कल्टीवेशन होता है, प्लांटेशन होता है। फिर आते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो देखिए, कॉफ़ी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, बेवरेजेस है। अरेबिका जो वैरायटी है वो इंडिया में बहुत फेमस है, और वर्ल्ड में भी अरेबिका जो वैरायटी है वो काफ़ी फेमस है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जो है ये क्रॉप है। क्लाइमेट वार्म और फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री। डीप वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला में फसल होती है। नॉन फूड क्रॉप्स में देखें तो फाइबर क्रॉप्स में कॉटन है, ये खरीफ क्रॉप है, और 6 से 8 महीने लग जाते हैं इस फसल को होने में। ब्लैक सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, और कम से कम 210 दिन तक किसी भी तरह की धुंध कोहरा नहीं होना चाहिए। ब्राइट सनशाइन चाहिए जब ये फसल पकती है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फसल काफ़ी मात्रा में उगाई जाती है। जूट देखें तो जूट एक गोल्डन फाइबर है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसके रेशे जो होते हैं वो सोने की तरह दिखते हैं, तो इससे इसका नाम गोल्डन फाइबर है। हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए, कि सॉइल एकदम फर्टाइल होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम में इसे उगाया जाता है। और ये किसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो देखिए, गनी बैग्स जो होते हैं, रोप्स होती हैं, मैट्स होते हैं, कारपेट्स, इनका बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। बट आज के समय में जो जूट है उसकी डिमांड दिन पर दिन गिरती जा रही है, क्योंकि मार्केट में सिंथेटिक फाइबर आ गया है। तो आज के टाइम पे लोग इस जूट को लेने से ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर की तरफ हैं, और वो उसको खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सस्ते भी होते हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो किस तरह से डेवलपमेंट हमें एग्रीकल्चर में करनी चाहिए वो भी रही है। तो देखिए, इसका मेन एम जो अगर देखा जाए तो फूड सिक्योरिटी, अगर आपको आपकी जिस तरह से देशों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उनके लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए सबसे पहली बात कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और फूड को सिक्योर करा जा सके।
क्योंकि आगे पता नहीं कि किस टाइप का समय आ जाए, जिस तरह से अभी कोरोना का टाइम चला था। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी नहीं करी होती तो किस तरह से वो राशन प्रोवाइड करते गरीब लोगों को। मॉडर्न टूल्स जो है एग्रीकल्चर, वो बिल्कुल इस्तेमाल होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी बढ़े। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स भी यूज़ करने चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो सके। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को सुधारना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो हैं उनको यूज़ करना चाहिए केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स की जगह। फूड सिक्योरिटी जो है वो एक कंडीशन होनी चाहिए हर एक स्टेट और जो लोग हैं उनके लिए, भविष्य में किसी भी तरह की कमी ना पड़े खाने की। सेफ, हाइजेनिक और सफिशिएंट फूड और न्यूट्रिशियस फूड उनको हमेशा मिलते रहे, तो इसकी भी गारंटी जो है फूड सिक्योरिटी को करनी चाहिए, यानी स्टेट को करनी चाहिए। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और देखिए हर एक कंट्रीज़ का और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ देशों में खेती बहुत अच्छे से की जाती है, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करके की जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर किसी कंट्री की जिस तरह से डेवलपमेंट, विकास गति जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी, ठीक है, तो खेती की भी जो डेवलपमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।